हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम TSSB की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 1 के अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स आर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज 200। सी क्या कह रहा है, सपोज दो नंबर क्या है, ए और बी है, तो सबसे पहले आपको क्या है, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 200। एंड ट्वाइस द फर्स्ट नंबर माइनस थ्राइस द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 25। द नंबर्स आर, क्लियर है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि भाई पहले नंबर का 3 गुना और दूसरे नंबर का 2 गुने का जो जोड़ है वो 200 है, और फर्स्ट नंबर के 2 गुने और सेकंड नंबर के 3 गुने का जो डिफरेंस है वो क्या है, 25 है। तो आपको नंबर बतानी है। देखिए, इस तरह के एक तो इक्वेट करके जो हमारा लॉन्ग मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हो सोल्व करने के लिए, और दूसरा तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्राई, यानी कि हमें ऐसी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे टाइम सेव हो। सपोज मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 25, पुट करके देख लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 50 × 3 150 और 25 × 2 50। 150 + 50 200 सेटिस्फाई हो रहा है। देन 50 × 2 100, 25 × 3 75 इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ओरली भी आप चेक कर सकते हो, कुछ स्टेप्स मैं आपको लिख के दिखाने के लिए, समझाने के पर्पज से कर रही हूँ, लिख के दिखा रही हूँ। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वेजेस ऑफ अ वर्कर आर इंक्रीज बाय 20%, द इंक्रीज वेजेस आर रिड्यूस बाय 20%, एक्सप्रेस द नेट चेंज इन वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वेजेस। सपोज ओरिजिनल वेजेस 100 थे और उसके बाद कितना इंक्रीज हो गया, 120, यानी कि 20% इंक्रीज हो गया। तो ओरिजिनल अगर 100 थे, 20% इंक्रीज हुआ है, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ओरिजिनल को 100 मानो इंटू 120, ठीक है ना, 120% हो गया। देन आगे 20% रिड्यूस हो गई, यानी कि आपसे पूछा है कितना बच गया है, तो 20% रिड्यूस हो गया, यानी कि बचे हुए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80%। आई एम रिपीटिंग, ओरिजिनल वेजेस 100 थे और 20% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 20% इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 100 का 20% 120, क्लियर, 120 हो गया। फिर उसके बाद जो आपका बचा था उसका 80%, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो आंसर आया ये 100 की वैल्यू है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी, इससे आप सोल्व कर सकते हो इसको इजीली। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 × 8 = 96। ओरिजिनली मैंने 100 माना था और अब हो गया 96, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? मैं थोड़ा सा स्पीडली और वो अप्रोच आपको बता रही हूँ जो कि आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। केतन इज 4 times एज फास्ट एज मयूर। केतन इज 4 times एज फास्ट एज मयूर। सपोज मयूर जो है 1 है, तो केतन क्या है उसका, 4 times। इन कंप्लीटिंग एनी वर्क मयूर टेक्स 15 days more। 15 days more लेता है, यानी कि इनके काम का डिफरेंस कितना है, 15 days। 15 days more than केतन टू फिनिश द सेम वर्क। इफ बोथ वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड। ये 9 जो है क्वेश्चन मार्क का है। हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। सी देखिए, ये 4 times एफिशिएंट है, यानी कि 3 की वैल्यू क्या है, 15। 1 की वैल्यू क्या होगी, 5। यहाँ से केतन और मयूर की निकाल दीजिए आंसर, क्या आ जाएगा, केतन 5 × 4 = 20,
क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 5 जा 20, 1 5 जा 5। फिर क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, काम क्या होता है इन दोनों का एलसीएम। एक दिन की बात करें, 21 जा 20, 24 जा 5, 4 जा 20। क्लियर, यानी कि दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 वर्क करेंगे, और टोटल वर्क कितना है 20। टोटल वर्क 20 है, दोनों मिलके एक दिन में 5 वर्क करते हैं तो कितने डेज आ जाएंगे, 4 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ, द एवरेज एज ऑफ मगन एंड छगन, द एवरेज एज ऑफ मगन एंड छगन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 20। 5 साल के बाद इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 20। मगन्स प्रेजेंट एज इज 12, व्हाट इज देयर एवरेज एज नाउ। मगन की प्रेजेंट एज 12 है तो उनकी आज की डेट में एवरेज एज क्या होगी, प्रेजेंट में एवरेज एज क्या होगी। सी, मगन की आज डेट एज है 12, ठीक है, यहीं से आइडिया लगाएंगे। 5 साल बाद एवरेज आपको गिवन है 20, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज के बेस पे निकालोगे, 2 इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, यानी कि 5 साल के बाद दोनों की एज का टोटल क्या होगा, 40। यहाँ से हम छगन की एज निकाल सकते हैं, देखिए आज मगन की एज 12 है और 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, 17, और 5 साल के बाद की दोनों की एज का टोटल है 40, तो छगन की एज क्या हो जाएगी, 23। 5 साल बाद छगन की एज 23 है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, माइनस 5 कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 18। क्लियर, अब दोनों का एवरेज पूछा है, एवरेज कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई, एवरेज निकाल दीजिए, 12 प्लस 18 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15, प्रेजेंट एज क्या आ गई, 15। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000 इज शेयर बिटवीन ए बी सी एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:5, देन ए रिसीव द सेम अमाउंट एज ही रिसीव्ड इफ अनदर सम ऑफ मनी इज शेयर बिटवीन ए बी सी इन द सेम रेशो, इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 1,50,000 को अगर 2:3:5 में डिवाइड किया जाता है तो ए को उतनी ही अमाउंट मिलती है जितनी किसी अमाउंट को 5:3:2 में डिवाइड करने के बाद मिलती है, द रेशो ऑफ 1,50,000 टू द सेकेंड अमाउंट। तो आपको 1,50,000 का सेकेंड अमाउंट के साथ क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो सेकेंड अमाउंट निकालेंगे इसकी हेल्प से, ए का शेयर जो है अगर आप निकालोगे तो 1,50,000 में क्या शेयर है उसका, 2/10। सोल्व करोगे, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, या फिर वैसे ही करके जैसे आपको कंफर्टेबल लगे कर लोगे, क्या आ जाएगा ये, 30,000। ए का जो शेयर है वो 30,000 है। सिमिलरली अगर हम दूसरे शेयर की बात करें तो ये 30K यानी कि 30,000 और जो दूसरी अमाउंट है उसका 5/10 इक्वल है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो ए का शेयर इसमें आ रहा है वही ए का शेयर दूसरी सिचुएशन में आ रहा है, दूसरी अमाउंट नहीं पता, उसको हमने एज्यूम किया एक्स, एक्स का 5/10 क्योंकि ये रेशो का टोटल भी क्या है, 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाई करा तो जाके डिवाइड करेगा, यानी कि सेकेंड अमाउंट क्या आ गई, 60,000। सेकेंड अमाउंट 60,000 आ गई, आपसे रेशो पूछा था, 40 से 40 कैंसिल, 5 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी कि रेशो क्या हो गया, 5:2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए 1 meter बॉर्डर इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर 8 meter एंड 5 meter रिस्पेक्टिवली हैज टू बी प्लग्ड
If the cost of plugging is rupees 20 per square meter, then how much amount will be spent in plugging the entire border? This is question mark. See, एक rectangular field है जिसकी length है 8 और width है 5. इसके अंदर border बनाया गया है 1 meter का. चारों तरफ इसके border बनाया गया 1 meter का और उसको plug करना है और प्लगिंग कॉस्ट है ₹20 per square meter. तो इसका मतलब कौन सा एरिया प्लग करना है? ये वाला एरिया कैसे आएगा? पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को लेस कर दोगे तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो क्या करना है, प्लग करना है. उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, वन यहाँ से गया, यानी कि लेंथ कितनी कम हो गई और ब्रिथ कितनी कम हो गई, 2 मीटर. ये टोटल 8 था, दोनों तरफ से 1 कम हुआ, कितना हो गया, 6. ये टोटल 5 था, दोनों तरफ से 1 कम हो गया, कितना हो गया, 3. अब आपको इसको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया 8 × 5 − 6 × 3. ये क्या हो जाएगा इसका एरिया. और 20 rupees per square meter है तो × 20. अब इसको जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, चाहे तो टोटल मल्टीप्लाई कर लो या फिर नॉर्मल सिनेरियो में भी सोल्व कर सकते हो. 8 × 5 = 40, 6 × 3 = 18 × 20. कितना आ गया ये, 22 × 20 = 440. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्लियर है चीज कि एरिया कैसे आया, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल लेस कर दिया. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ 20 नंबर इज 50. 20 नंबर्स का एवरेज आपको 50 दिया हुआ है तो इसका समेशन क्या होगा, 20 × 50 यानी कि 1000. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोवेस्ट नंबर इज 76. इफ द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीरीज देन द एवरेज इज. अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर को बाहर निकाल दिया तो एवरेज क्या हो गई, 48. तो ये एवरेज दी है, नंबर कितने हो गए, 20 थे, हाईएस्ट लोवेस्ट को हटा दिया, कितने बचे, 80. ठीक है, और एवरेज आपको 48 दी हुई है तो समेशन क्या हो जाएगा, न्यू समेशन हो जाएगा 18 × 48. आई एम रिपीटिंग, आपको कह रहा है कि 20 नंबर्स का जो एवरेज है वो 50 है, मींस 20 × 50 टोटल क्या हो गया, 1000. जो हाईएस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 76. हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर को अगर सीरीज से हटा दिया जाता है तो एवरेज कितना आ जाता है, 48. तो टोटल 20 नंबर थे, हाईएस्ट लोवेस्ट चला गया, यानी कि एन कितना हो गया, 18. द लोवेस्ट नंबर ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज. ओरिजिनल सीरीज का लोवेस्ट नंबर क्या होगा? तो हमने समेशन पुराने वाले एवरेज की हेल्प से निकाला 1000, और नई वाली एवरेज और नए वाले नंबर से निकाल देंगे नया वाला टोटल. तो ये हो गया 18 × 48, कर देंगे हम लोग, कितना आएगा, 48 × 18, 8 × 8 = 64, 6 कैरी, 8 × 4 = 32 + 8 = 40 + 6 = 46, 4 × 1 = 4 और 4 = 864. इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 864. पहले टोटल था 1000, अब 864 है, यानी कि अगर इस टोटल में से इस टोटल को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो कि एक्सक्लूड किए गए हैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 लेस किया, सी 9 में से 6 लेस किया 3. क्लियर. तो 9 में से 6 लेस किया 3 और 9 में से 8 लेस किया 1. समेशन क्या आ गया, 136. डिफरेंस आपको दिया हुआ था 76, समेशन है 36. यहाँ से सोल्व कर दीजिए,
ठीक है, साइन चेंज करके सोल्व कर दो चाहे तो, क्योंकि हमें लोवेस्ट निकालना है तो लोवेस्ट ही निकाल दीजिए डायरेक्टली। साइन चेंज माइनस कर रही हूँ क्योंकि उससे डायरेक्टली मेरे पास लोवेस्ट की वैल्यू आएगी। ये हो गया कैंसिल, लोवेस्ट लोवेस्ट टू टाइम्स लोवेस्ट, सिक्स में से सिक्स गया ज़ीरो, थर्टीन में से सेवन गया सिक्स, टू से इसको कट किया और डायरेक्टली क्या आ गया, लोअर नंबर की बात की गई थी, लोअर नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। एन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड के एंड बी, ये के नहीं है ये ए है, नीचे बाद में ए यूज किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को ए कर लीजिए। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:7, द इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड ए इज 12%, ओन बॉन्ड बी 10%। इफ ही गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 18,000 फ्रॉम बॉन्ड ए, देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी इज, दो बॉन्ड हैं ए और बी जिनमें इन्वेस्टमेंट का रेशो है 3:7। अगर बॉन्ड ए पर 12% इंटरेस्ट मिलता है और बॉन्ड बी पर 10% इंटरेस्ट मिलता है, और बॉन्ड ए पर जो इंटरेस्ट मिला है उसकी जो अमाउंट है वो 18,000 है, तो बॉन्ड बी का क्या निकालना है आपको, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जो इंटरेस्ट निकलता है वो किस पे निकलता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे। कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपना लगाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट और रेट गिवन है तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100/12। क्योंकि जब प्रिंसिपल के ऊपर आप रेट निकालते हो तो क्या करते हो, रेट अपॉन 100। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालोगे तो रेट को क्या लिखोगे, उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके। अब इसको कट कर दीजिए, 12 वन जा 12 कितना बचा 6, 12 5 जा 60 00, यानी क्या आ गया 150000, मींस 150,000। बॉन्ड ए का प्रिंसिपल 150,000 है और जिसमें रेशो कितना है 3, यानी कि 3 की वैल्यू जो है वो है 150,000। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, 3 की वैल्यू 150,000 है। बॉन्ड बी की इन्वेस्टमेंट बतानी है, बॉन्ड बी की इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्या है 7। अगर 3 की वैल्यू 150,000 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, सी 3 5 जा 15, यानी कि आ गया 50,000। 7 5 जा 35, मीन्स 3,50,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ किसी भी क्वेश्चन में, थोड़ा सा स्पीडली चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। स्टिल कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 15/x, देन एक्स इज इक्वल टू, देखिए मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जहाँ से बुक से मैंने लिया है मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे -15 होगा तब ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, यानी कि एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू -15/x। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -15। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू 0। देन 15 के फैक्टर करते हैं, क्या तरीका होता है, 15 1 जा 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 अज्यूम करेंगे, 15 1 जा 15, 15 के फैक्टर करोगे तो 15 के फैक्टर क्या आएंगे 3 and 5। क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इसे। 8x को कैसे लिख सकते हो आप, 3x + 5x, प्लस किया तो 3x + 5x क्या हो गया 8x, और मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15। यही होता है तरीका मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उसको यूज करके आपने क्या कर देना है सोल्व। एक्स प्लस 3 आ जाएगा, दोनों में से x कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक्स प्लस 3,
एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस थ्री, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो एक्स क्या आ गया माइनस फाइव, यानी कि माइनस फाइव माइनस थ्री क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर की में भी आंसर यही गिवन है जो मेरा आया है, लेकिन इक्वेशन जो गिवन थी वो उस तरह से सोल्व नहीं हो रही थी, इट मीन्स इसमें कुछ एरर है, मैंने माइनस ऐड करके इसको सोल्व किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए सॉलिड क्यूब विद एन एच ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म टू इक्वल क्यूब्स, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू द एज ऑफ द बिगर क्यूब। क्या कह रहा है, एक क्यूब का जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है और उसको दो इक्वल क्यूब में बनाया गया है मेल्ट करके पिघला करके, तो आपको छोटी वाली क्यूब की साइड और बड़ी वाली क्यूब की साइड का क्या निकालना है रेशियो। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर थ्री। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिक्स ए स्क्वायर यानी कि सिक्स इंटू साइड की पावर टू। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया होता है फोर इंटू साइड की पावर टू। तो फॉर्मूले आपको पता होंगे तभी आप इन चीजों में दिमाग लगा पाएंगे। सी, अगर किसी चीज को, किसी सॉलिड को मेल्ट करके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, यानी कि बड़ी वाली क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड और छोटी क्यूब का वॉल्यूम, छोटी क्यूब कितनी है दो, बड़ी एक क्यूब को छोटी तीन क्यूब में कन्वर्ट किया गया है तो वो क्या होगा इक्वल। उस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो 2 5 10। इसको सोल्व करने के लिए यहीं पे स्प्लिटिंग कर दीजिए, 10 को क्या लिख देंगे 2 into 5 2 into 5। अब देखिए 5 5 5, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे और ये क्यूब रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 into 5 into 2 into 5 into 5। क्यूब में तीन के पेयर में से एक बाहर निकलता है, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 5 into 4 की पावर 1/3। ये हो गया ए की वैल्यू, क्लियर। अब क्या करना है, स्मॉल ए और कैपिटल ए का रेशियो। स्मॉल ए यानी कि छोटे वाले क्यूब का क्या आ रहा है 5 4 की पावर 1/3 और बड़े वाले क्यूब का एज क्या है 10, 5 2 10। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसमें जो पावर दी हुई है होल दी हुई है, ब्रैकेट नहीं लगी हुई, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है आप क्या एज्यूम करके चल रहे हो होल। तो अब होल में इसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि 2 की पावर भी आपको 3 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 को 4 की पावर 1/3 और इसको क्या लिख सकते हो 8 की पावर 1/3, क्योंकि 8 की पावर 1/3 2 ही है, क्लियर। अब दोनों की पावर सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगा 4/8 की पावर 1/3। 2 को हमने 8 लिख दिया और पावर लिख दी उसकी 1/3, एक्चुअल में ये है 2 ही। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 क्या आ गया 1/2 की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए सर्कुलर गार्डन हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 440 मीटर, देयर इज 7 मीटर वाइड बॉर्डर इनसाइड द गार्डन, अलोंग इट्स पेरिफ्री द एरिया ऑफ द बॉर्डर इज। एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार गार्डन है, ठीक है, और 7 मीटर क्या कह रहा है, देयर इज अ 7 मीटर वाइड बॉर्डर इनसाइड द गार्डन। गार्डन के चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा, ये जो चारों तरफ से चौड़ाई है 7 मीटर है, तो आपको कह रहा है क्या निकालना है एरिया ऑफ द बॉर्डर, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, अगेन वही बड़े वाले सर्कल का एरिया देन छोटे वाले सर्कल का एरिया, बड़े में से छोटा सर्कल लेस कर दोगे क्या आ जाएगा रिमेनिंग। उसके लिए आपको अंदर का क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए,
क्योंकि ये तो आपको पता है 7 है, और सर्कमफ्रेंस से आप पूरे बड़ी की रेडियस निकाल सकते हो। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr, और एरिया क्या होता है? πr². सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है यानी कि 2 × 22/7 × r, वो क्या दिया हुआ है आपको? 440। जितना सोल्व हो जाए सोल्व कर दीजिए। 22 2 जा, और ये इससे काटा 10, आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है उधर जा, क्या करेगा? मल्टीप्लाई, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडियस कितनी आ गई? 70। अंदर के सर्कल की रेडियस क्या होगी? जो बॉर्डर है उसे हटा दीजिए, बॉर्डर है 7, यानी कि क्या आ जाएगा? 63। अब क्या करना है? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया लेस करना है, πr² − πr², तो वो आ जाएगा गार्डन का एरिया। पाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 22/7। r² − r² क्या होगा? a² − b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b यानी कि 70 + 63, a + b, a − b, 70 − 63, क्या हो गया ये? 22/7 × 13 × 7 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 3 जा 66, 66 का 6, 6 कैरी, 22 3 जा 66, 66 + 6 = 72, 7 कैरी, 22 1 जा 22, और 7 29, 2926 क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सैलरी ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर अमाउंट टू ₹12,000। राम स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी, श्याम स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। If their savings are same, then what is the salary of Sam? श्याम की आपको सैलरी निकालनी है। क्या गिवन है? राम और श्याम की एक साथ मिला के सैलरी कितनी है? 12,000। और राम जो है अपनी सैलरी का 80% एक्सपेंडिचर करता है और श्याम 90% एक्सपेंडिचर करता है। सेविंग दोनों की सेम है, सेविंग का परसेंटेज क्या है? राम का 20% और शाम का 10%। क्लियर? अगर सेविंग सेम है, सेविंग को इक्वेट करके आप इनका रेशो निकाल सकते हो। देखिए, सपोज राम की सैलरी S1 है, या राम को राम ही रहने देते हैं, राम की सेविंग क्या होगी? r × 20%, और शाम की सैलरी क्या होगी? शाम की सेविंग क्या होगी? दिस इज सेविंग 10/100। अगर यहाँ से रेशो करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, राम अपॉन श्याम अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा? 10/20। यानी कि राम रेशो श्याम, उनकी सैलरी में क्या रेशो आ गया? 1:2। टोटल अमाउंट थी 12,000, इसको 1:2 में डिवाइड कर दीजिए। राम का हिस्सा कितना हो गया? 1/3 यानी कि 4,000, और शाम का हिस्सा क्या हो गया? 12,000 का 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा? 8,000। जो भी पूछा जाए अब आपसे आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा शाम की सैलरी, तो शाम की सैलरी कितनी है? 8,000। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। X owns 20% share of company Y. X owns 20% share of company. Y owns all the share of the same company not owned by X or Z. Y ने वो सारे शेयर ले लिए जो X और Z ने नहीं लिए। Z owns 20% more share of the same company than what is owned by X. जेड ने एक्स के पास जितने शेयर हैं उससे 20% ज़्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं।
if Z has 36,000 shares, then how many shares are owned by Y? अगर Z के पास 36,000 शेयर हैं तो Y के कितने शेयर होंगे? देखिए X, Y, Z तीन लोग हैं. सपोज टोटल 100% शेयर है तो X के पास शेयर है 20%. Z के पास कितने शेयर हैं? Z के पास 20% से 20 ज़्यादा है. या तो आप अपने तरीके से करिए या मेरे तरीके से करोगे तो मैं ऐसे करती हूँ. ये 20 100 की वैल्यू है और उसके बाद 20% ज़्यादा है यानी कि 120 है उसके पास. इस तरीके से सोल्व करोगे तो इसका मतलब कितने हैं उसके पास? 24. टोटल 100 शेयर हैं. एक्स के पास 24 हैं, एक्स के पास 20 है, जेड के पास 24 है, तो वाई के पास क्या होगा? 100 - 20 - 24 यानी कि आ जाएगा 56. अब आपको जेड के शेयर दिए हैं यानी किसकी वैल्यू दी हुई है? 24 की. 36,000 24 की वैल्यू है और आपसे किसके पूछे? वाई के. तो वाई कितना है? 56. अगर 36,000 24 की वैल्यू है तो 56 की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता तो मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके मैथ्स के भी डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं. अब इसको जितना कट जाए वो काट दीजिए. 12 2 जा 24, 12 से काटा, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 0 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी कि वाई के शेयर कितने हो गए? 84,000. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 rupees पर केजी एंड टाइप 2 राइस 20 rupees पर केजी. If both type 1 and 2 are mixed in the ratio of 2:3, then the price per kg of the mixed variety. दो तरह के राइस है, 15 rupees पर केजी और 20 rupees पर केजी. दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है 2:3 में, तो इनका जो मिक्सचर है उसका प्राइस क्या होगा? सी, यहाँ से आपको किस रेशो में दिया हुआ है? 2:3, तो इनके प्राइस भी उसी रेशो में पिक कर लो. 15 का 2:3 यानी कि 2/5 प्लस 20 का 3/5. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये क्या आ गया? 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 + 6 = 18. यानी कि जो मिक्स किया है उसकी कॉस्ट क्या होगी? ₹18 पर केजी. ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ए सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पेरीमीटर. अभी पीछे सर्कल का बताया था, क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का? 2πr. और पेरीमीटर का क्या होता है? 4 × साइड. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर. आपको रेडियस का रेशो निकालना है किसके साथ? साइड ऑफ द स्क्वायर. दोनों का सर्कमफ्रेंस इक्वल है, दोनों के सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को इक्वेट कर दीजिए. ये क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 × r, 4 × a. जो कट हो रहा है उसे कट कर दीजिए. 2 2 जा 4, 2 से कट किया 11. ऊपर किसको रखना है? रेडियस को. तो रेडियस यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? 7/11. रेडियस और साइड का रेशो क्या हो जाएगा? 7:11 और यू कैन से 7/11. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A sum of money at simple interest amounting to ₹1850 in 3 years and 1854 in 4 years the sum is.
एक अमाउंट 3 ईयर में 815 हो जाती है और 4 ईयर में 854 हो जाती है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सम बताना है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है 3 और 4 ईयर का, यहाँ से आप 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस, 854 माइनस 815। 14 में से 5 लेस किया 9, 4 में से 1 लेस किया 3, क्या हो गया 39। 3 या 4 दोनों में से कोई एक फिगर ले लो, सपोज मैंने 3 ईयर लिया, अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 39 है तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11। अब देखिए अमाउंट है 815 3 साल के बाद और उसका इंटरेस्ट है 117, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा सम और यू कैन से प्रिंसिपल। कितना हो गया, 15 में से 7 लेस किए 8, 10 में से 1 लेस किया 9, 7 में से 1 लेस किया 6, 6 9 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ज़्यादा स्पीड हो तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्पीड में स्लो कर लूँगी। ये मैं इसीलिए किया है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ सके। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए ड्राइवर हैज़ टू ड्राइव अनदर 120 किलोमीटर टू कंप्लीट हिज ट्रिप, सो फार ही हैज़ ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, हाउ मच टाइम शुड ही टेक इन द कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी सो एज टू अटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर फॉर द एंटायर जर्नी। एक ड्राइवर को अभी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 120 किलोमीटर और जाना है, अभी तक उसने 60 किलोमीटर पर आर के स्पीड से 3 घंटे चली है वो, और पूरी जर्नी में 50 किलोमीटर पर आर की जर्नी मेंटेन करते हुए वो बची हुई जर्नी कितने टाइम में ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले तो निकालिए कि कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 60 किलोमीटर की स्पीड से चला 3 आवर्स, यानी कितना डिस्टेंस वो कर चुका है कवर, 120 उसको और कवर करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है, 300 की एंटायर जर्नी का जो आपको स्पीड दी है वो दी है 50, यानी कि जर्नी में टोटल टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल जर्नी में टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल मेंटेन स्पीड, यानी कि टोटल जर्नी में 6 आवर लगेंगे, 3 आवर वो ऑलरेडी चल चुका है, तो कितने आवर में 120 किलोमीटर कवर करेगा, 3 आवर्स। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो कितने आवर में 120 किलोमीटर यानी कि रिमेनिंग जर्नी कवर करेगा, 3 आवर्स में। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए कंटेनर इज 3/4 फुल इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, देन द कंटेनर इज 1/2 फुल, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज। एक कंटेनर 3/4 फुल था और उसमें से 6 लीटर निकालने के बाद वो 1/2 रह गया, यानी कि 3/4 में से अगर 1/2 को लेस करोगे तो आपकी जो इक्वल कैपेसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 6 लीटर की। इसी फंडे को यूज़ करते हुए पूरी कैपेसिटी निकाल दीजिए, एलसीएम लेके इसे सोल्व करोगे, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 1/4 की वैल्यू है 6 लीटर, तो कंप्लीट कैपेसिटी क्या होगी, 4/1 यानी कि 24 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथ्स कॉस्ट रुपीज 50 अ मीटर
buyers get 8% discount on the total cost if he buys 120 meter or more. The cost of 625 meter of clothes is. एक स्पेसिफिक कपड़े की जो मूल्य है वो 1.50 रुपये प्रति मीटर है, और अगर कोई 125 से ज़्यादा मीटर कपड़ा ख़रीदता है तो उसको 8% डिस्काउंट मिलता है. अगर 625 मीटर क्लोथ ख़रीदा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी. सी 625 ख़रीदा है, इसका मतलब क्या है, 8% डिस्काउंट मिलेगा. सी 625 पर मीटर है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट होगी 625 × 50. अब उसको 8% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि टोटल कॉस्ट का कितना पे करना है उसको, 92%. अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए जितनी आसानी से कर सकते हो, जहाँ से आपको इजी लगे. 25 से इसको कट कर रही हूँ, 25 × 2 = 50, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. जिससे कि मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए, ऐसी अप्रोच में अप्लाई करें. 25 और 23 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 25 × 23, 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 1 = 17, 1 कैरी, 2 × 2 = 4 और 1 = 5. 25 और 23 का मल्टीप्लाई आ गया 575, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई करना है, 50. 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 0, 5 × 5 = 25, 3 कैरी, 5 × 7 = 35 प्लस 3 गड़बड़ कर दी, 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 7 = 35 प्लस 2 = 37, 3 कैरी, 5 × 5 = 25 प्लस 3 = 28. यानी कि आपका आंसर क्या आ गया है, 28750. क्लियर है, 28750. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. A सैलरी इज 40% ऑफ B सैलरी विच इज 20% ऑफ C सैलरी. व्हाट परसेंटेज ऑफ C सैलरी इज A सैलरी. व्हाट परसेंटेज ऑफ C सैलरी इज A सैलरी. कह रहा है कि A की सैलरी B की सैलरी की 40% है, जो कि C की सैलरी का 25% है. तो आपको बताना है कि भाई जो सी सैलरी है वो ए की सैलरी की कितनी है. सबसे पहले ए बी सी, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी. मैंने अज्यूम किया कि भाई जो बी की सैलरी है उसको निकालने से पहले मैं सी अज्यूम कर रही हूँ. सपोज सी क्या है, 100 है, और जो बी की सैलरी है विच लिखा है, इसका मतलब ये जो बात कह रहा है 25%, ये किसके बारे में कही जा रही है, बी की सैलरी. आई एम रिपीटिंग, जो ये बात कही जा रही है वो बी की सैलरी के बारे में कही जा रही है, विच मतलब जिसके साथ कनेक्टेड है. बी की सैलरी सी की सैलरी की 25% है. तो अगर सी की सैलरी 100 है तो उसका 25% क्या होगा, 25. और ए की सैलरी क्या है, बी की सैलरी का 40%, यानी कि 25 का 40%. 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, यानी कितना आ गया, 10. अब आपसे पूछा है ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना परसेंटेज है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से पता चल रहा है, ये 100 है, ये 10 है, यानी कि ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना है, 10%. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्लियर. तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन. दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.